Hello, everyone, welcome back to my YouTube channel. In this particular session, we'll be talking about a very important topic and that topic is called 360 degree feedback. Ye performance appraisal topic, it is basically a method of performance appraisal, which is also called as a modern method of performance appraisal. Let us begin this topic. And let us have a detailed understanding about this topic. द क्वेश्चन इज वाई दिस मेथड सबसे पहला जो सवाल आपके मन में आएगा या मेरे मन में भी आया था वो ये कि ये मेथड की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी जब हम ट्रेडिशनल मेथड्स को पढ़ चुके हैं और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डाल दूंगा तो ट्रेडिशनल मेथड्स में ऑलरेडी हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे लेकिन उसके बावजूद भी हमें इस मेथड की जरूरत पड़ी तो सवाल ये उठता है कि क्यों पड़ी तो इसमें जो तीन प्रॉब्लम्स थी जो ट्रेडिशनल मेथड में हमें बहुत ज्यादा आ रही थी वो थ्री तीन प्रॉब्लम्स कौन कौन सी थी द फर्स्ट प्रॉब्लम वॉज बायसनेस ऑब्वियसली जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे वहाँ पर बायसनेस बहुत ज़्यादा थी बिकॉज ज़्यादातर सिचुएशन में जो सुपरवाइजर था वो आपको रेट करता था अगर आप उसकी लाइकिंग में नहीं आते हैं तो ऑब्वियसली आपकी रेटिंग पुअर हो जाएगी और अगर आप उसको आप उसकी काफ़ी आगे पीछे करते हैं एंड यू आर इन टू हिज गुड बुक्स तो ऑब्वियसली यू विल गेट अ बेटर रेटिंग द सेकंड प्रॉब्लम वी हैड इन दोज मैथड्स पर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी होती नहीं थी मोस्ट ऑफ दोज मैथड्स वर वेरी रिडेंडेंट मेथड्स एंड दे वर नॉट ट्रांसपेरेंट इनफ तो ऑब्वियसली वहां से कुछ पता ही नहीं चलता था कि एक्जक्टली exactly हो क्या रहा है दैट वॉज द सेकेंड प्रॉब्लम एंड द थर्ड प्रॉब्लम वॉज Related to favoritism, जो ऑलरेडी मैंने आपको भी जस्ट जस्ट बता दिया कि इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस जो बॉसेस थे आपके जो सुपरवाइजर्स थे वो अपने फेवरेट लोगों को अच्छा रेट कर देते थे सो द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन इज वट इज अ थ्री सिक्सटी डिग्री फीडबैक मेथड तो अब इस मेथड के ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं सो इट इज अ अप्रेजल प्रोसेस इन विच एन एम्प्लॉय और अ मैनेजर इज रेटेड बाय एवरी वन अभव साइड एंड बिलो हिम तो ऑब्वियसली यहां पर क्या मतलब निकल कर आ रहा है कि एक ये तो एक अप्रेजल का मेथड है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया दिस इज एन अप्रेजल मेथड इन विच एन एम्प्लॉय कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी मैनेजर बेसिकली हम उनकी रेटिंग करते हैं तो उनकी रेटिंग कौन कौन करता है

ऑफ हाउ यू परसीव योर सेल्फ एंड हाउ अदर्स परसीव यू बेसिकली आपको एक पूरा आइडिया मिल जाता है कि एक तो आप सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं आप सेल्फ अप्रेजल कर रहे हैं तो आप खुद भी करते हैं कहीं कही ना कहीं कि आप कैसे हैं आपने कैसा काम किया है प्लस द पीपल जो दूसरे लोग आपके साथ काम कर रहे हैं आपके ऊपर काम काम कर रहे काम कर रहे रहे हैं 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 चाहे आपके नीचे वो लोग भी आपकी रेटिंग करते तो एक कंप्लीट पिक्चर नजर आती है इस मेथड में द फीडबैक इज टेकन फ्रॉम सुपरवाइजर पियर ग्रुप सबॉर्डिनेट और इवन फ्रॉम कस्टमर्स तो ये जो फीडबैक होता है ये जो रेटिंग्स होती है आपकी वो सुपरवाइजर से भी ली जाती है आपके पियर ग्रुप से लिया जाता है आपके सबॉर्डिनेट से लिया जाता है और इवन इन सर्टन सिचुअ

सो द नेक्स्ट बिग थिंग द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन इज हाउ इट इज डन इसको कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं फर्स्ट थिंग इज अ स्ट्रक्चर्ड सर्वे इज डिजाइंड एंड यूज फॉर दिस पर्पज सबसे पहले कोई भी कंपनी अगर थ्री सिक्सटी ड्री फीडबैक को यूज करना चाहती है डेवलप अ स्ट्रक्चर्ड सर्वे एक स्ट्रक्चर्ड सर्वे वो बनाते हैं या फिर एक क्वेश्चन डेवलप करते हैं फॉर डिफरेंट पोजिशन बेसिकली वो लेवल्स के हिसाब से होता है मैनेजरियल लेवल के लिए अलग तरह का सर्वे होगा तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के एम्प्लॉज के लिए उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट तरह के वो सर्विस को डिजाइन कर सकते हैं फॉर दिसन दिस सर्वे टू कलेक्ट रिस्पॉस फॉर एन एम्प्लॉय फ्रॉम सुपरवाइजर सबॉर्डिनेट्स कस्टमर्स एंड पीयर ग्रुप बेसिकली एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए अगर आपको फीडबैक लेना है तो आपको सुपीरियर से भी लेना है सबॉर्डिनेट से भी लेना है कस्टमर से भी लेना है पीयर ग्रुप से भी लेना है तो इन सभी लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट सर्विस बनाए जाते हैं और वो सर्विस

जो उसके अप्रेजल प्रोसेस में हेल्प करेगा सेकंड उसके बिहेवियर रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं फॉर एग्जांपल उसकी पंक्चुअलिटी कैसी है उसका डिसिप्लिन कैसा है उसका उसका पॉजिटिव इंटेंट है या नहीं है तो इस तरह के भी काफी क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के सर्वे में ईच इम्प्लॉय इज रेटेड बाई फिफ्टीन पीपल दैट इंक्लूड्स टू बॉस फोर पीयर ग्रुप सिक्स सबॉर्डिनेट्स एंड थ्री कस्टमर्स ये कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है बट ऑन एन एवरेज एक पर्टिकुलर एम्प्लॉ को आप पंद्रह लोगों से रेटिंग कराते हैं अगर आप एक फीडबैक करा रहे हैं तो जिसमें कि आपके कम से कम दो बॉस होते हैं चार लोग आपके पेयर ग्रुप होते हैं सिक्स सब होते हैं जो आपके नीचे काम करते हैं प्लस थ्री पीपल हुआ योर कस्टमर्स तो बेसिकली इतने सारे लोग मिलकर आपको रेटिंग देते हैं तो ऑब्वियसली अगर इतने सारे लोग आपको रेटिंग देंगे तो उसमें ना बायसनेस होगी उसमें एक ट्रांसपेरेंसी भी होगी

और उसमें आप उसको चार्ट्स दिखा सकते हैं कि किस तरह की उनकी रेटिंग आई है उसके कमेंट्स किस तरह के आए हैं फ्रॉम डिफरेंट पीपल वो भी दिखाए जाते हैं प्लस कोई इंटरप्रिटेशन जो कंपनी ने निकाला है आपके लिए वो भी आपको बताया जाता है जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपका प्रेजेंट किस तरह का है तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम ऑब्वियसली कोई कंपनी इतना टाइम लगा रही है इतना इन्वेस्टमेंट लगा रही है तो उसके कुछ फायदे भी होने चाहिए द फर्स्ट बेनिफिट इट इट हेल्प्स अ लॉट ऑफ थिंग्स इन सेल्फ अवेयरनेस एंड यू रिसीव फीडबैक फ्रॉम एवरी पर्सन अराउंड यू सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि आपको सेल्फ अवेयरनेस में भी बहुत फायदा होता है एज एन इंडिविजुअल और आपको फीडबैक ऑलमोस्ट हर पर्सन से मिल जाता है जो आपके आस पास है दैट्स द बिगेस्ट बेनिफिट यू है सेकेंड इट रेड्यूसेज द बायसनेस एंड सो मेरी पीपल कांट गो रॉन्ग ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको बताया जो ट्रेडिशनल मेथड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो बायसनेस था तो यहां पर वो कम हो जाता है तो वो एवरेज आउट हो जाता है विदीपल हुपल आर बाउंड टू मेक चेंजेस इन देयर बिहेवियर विच आर पर अदर पीपल कई बार क्या होता है हमें कई सारी निगेटिव बातें होती है जो जनरली हम नहीं मानते लेकिन जब बहुत सारे लोग आपके

तो वो कम्युनिकेशन को काफी बढ़ा देता है बिटवीन मैनेजर एंड द इम्प्लॉय इवन ऑर्गेनाइजेशन कैन मेक मेरिट बेस्ड प्रमोशन बेस्ड ऑन दीज रेटिंग्स ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा पर्पज था इसका वो यही था कि हमें एक मेरिट बेस्ड सिस्टम को बनाना है जो कि रिस्क डिग्री फीडबैक से बन जाता है क्योंकि इसमें जो रेटिंग्स आपको मिलती हैं वो रेटिंग्स काफी ही बायस फ्री होती हैं बट एवरी मेथड हैज समिसडवाटेजेज ऑल्सो ऐसा नहीं होता कि कोई भी मैथड फुल प्रूफ होता है उसके कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं उसके बारे में बात करते हैं ऑब्वियसली इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस सबसे ज़्यादा पहली चीज़ जो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी हिस्ट्री फीडबैक में दैट इज योर टाइम आपको इतना टाइम चाहिए कि कम से कम आप पंद्रह लोगों से या दस लोगों से किसी एक पर्सन के लिए आप फीडबैक ले रहे हो तो इट रिक्वायर्स अ होल प्रोसेस अ होल टाइम एंड दैट टू बी बहुत ट्रांसपेरेंसी uh, से अगर आप इसको करना चाहते हैं तो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ आप डूइंग थिंग्स अगर आप इसको करेंगे तो कोई फायदा भी नहीं होगा दैट मीन यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम इट मलूज अ लार्ज कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लार्ज नंबर ऑफ इंप्लाइज ऑल्सो ऑब्वियस छोटी ऑर्गेनाइजेशन तो जनरली इसमें इतना बिलीव ही नहीं करती कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन करने में बिलीव करती है जिसके पास बहुत सारा पैसा है कॉस्ट लगाने के लिए है जो इतना टाइम भी लगाएगी कॉस्ट भी लगाएगी रिसोर्सेज भी लगाएगी क्योंकि ये सारा कुछ आपको लगाना पड़ेगा फॉर कलेक्टिंग द इंप्लॉय मे फील ह्यूमिलेटेड शेयरिंग फीडबैक कई कुकसान ये हो जाए

द इम्प्लॉय में नॉट एग्री विद द फीडबैक कई बार ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉय को जो फीडबैक मिलता है जब उसको कोई बताता है कि भाई आप ये काम नहीं कर रहे या आप, आपका जो फीडबैक है वो ये नहीं अच्छा है तो वो मानता भी नहीं है उसको लगता है कि नहीं ये तो मैं कर रहा हूं और मैं सही कर रहा हूं तो कई बार आप इस फीडबैक को एग्री नहीं करते इस फीडबैक से ये बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं स्पेशली तब जब आपको पता होता है कि वो निगेटिव फीडबैक है तो बहुत कम लोग उसको मानते हैं या एग्री करते हैं और वो कई बार तो लोग एच से लड़ने भी लग जाते हैं बिकॉज दे डोंट बिलीव दैट वॉट द फीडबैक हैज हैजबिन गिवन बाई पीपल इज करेक्ट इट इग्नोर्स द परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ गोल ऑब्वियसली आपको रेटिंग आप ले रहे हो आप रेटिंग लेकर के आप कहीं ना कहीं फीडबैक कलेक्ट कर रहे हो लोगों से वो एक अच्छा मेथड है बट इसमें जो एक मेजर प्रॉब्लम आ जाती है कि जो गोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के उस गोल के अचीवमेंट्स को लेकर कहीं ना कहीं इग्नोर इग्नोरेंस होता है क्योंकि वो चीज़ कहीं ना कहीं मेजरमेंट मॉडल में नहीं आता आपके सर्वे इंस्ट्रूमेंट में नहीं आता तो ये चीज़ें हैं जो इस थ्री डिग्री फीडबैक में एक डिमेरिट की तरह है या डिसएडवांटेज की तरह है तो व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर इंप्लीमेंटिंग थ्री डिग्री फीडबैक अब इसमें क्या गाइडलाइंस का ध्यान रखना चाहिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन को इंप्लीमेंट करना चाहती है तो वो उसको किन गाइडलाइंस का ध्यान रखना चाहिए द फर्स्ट इज दैट इन्वॉल्व पीपल एंड मेक श्योर दैट अ सिंगल पर्सन कांट इफेक्ट द होल प्रोसेस ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा लोगों से रेटिंग लेने की कोशिश करें क्योंकि अगर कोई एक पर्सन फिर से आपके प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर देता है या इफेक्ट कर देता है तो फिर वही नुकसान होगा जो ट्रेडिशनल मेथड का है तो ऑब्वियसली वो आपको फायदा नहीं देगा तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करें फ्रॉम डिफरेंट लेवल्स सो कि आपको रेटिंग और फीडबैक अच्छी मिले इंश्योर दैट द रिलेवेंट डाटा इज कलेक्टेड ऑब्वियसली डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वे इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो सर्वे आपने बनाया है वो इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो वो डाटा बिल्कुल बायस्ड फ्री होना चाहिए ये नहीं कि खुद से डाटा भरे जा रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं होगा बिकॉज इफ द डाटा इज नॉट रिलेवेंट आप जो भी उससे निकालने की कोशिश करेंगे वो सब बेकार हो जाएगा इट्स 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 अ वेरी सिंपल प्रोसेस दैट इज कॉल्ड गार्बेज इन गार्बेज आउट अगर आप डाटा गार्बेज की तरह डालोगे तो फिर जो आउटपुट निकलेगा वो भी एक गार्बेज ही होगा ट्रेनिंग ऑफ़ रेटर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो लोग रेट कर रहे हैं किसी एम्प्लॉय को उनको भी ट्रेनिंग देना इम्पॉर्टेंट है कि उस फॉर्म को कैसे भरना है उसमें किन चीजों का ध्यान रखना है तो वो भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग देना इंपॉर्टेंट है बिफोर यू इंप्लीमेंट दिस प्रोसेस आस्क्रेटर टू एक्सप्लेन देयर एक्सट्रीम रेटिंग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कई बार बहुत सारे लोग आपको एक्सट्रीम रेटिंग देते हैं एक्सट्रीम रेटिंग मतलब या तो बहुत हाई या बहुत नेगेटिव तो अगर ऐसा कोई कर रहा है अगर बहुत हाई रेटिंग भी कोई दे रहा है या बहुत लो रेटिंग अगर कोई दे रहा है तो आप उनको एक्सप्लेन करने को कहें कि वाई यू आर गिविंग दिस इफ समबडी इज गिविंग सम नाइन आउट ऑफ टेन और मे बी टेन आउट ऑफ टेन तो यू नीड टू एक्सप्लेन इफ यू आर समब गिविंग सम वन वन और मे बी टू देन यू नीड टू एक्सप्लेन बट अगेन इन दोनों ही सिचुएशन में एक मेजर प्रॉब्लम मैं आपको बताता क्या आती है जब भी आप एक्सप्लेनेशन किसी चीज से मांगते हैं ना तो लोग क्या करते हैं तो उसको नाइन टेन नहीं देते, उसको 6 दे देते हैं उसको सेवन दे देते हैं बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू राइट एक्सप्लेनेशन वो एक्सप्लेनेशन लिखना ही नहीं चाहते सो दैट इज द रीजन वाई यहां पर एक प्रॉब्लम आ जाती है एंड दैट इज कॉल्ड एज एवरेज रेटिंग एरर ये काफी प्रॉब्लम आती है जिसको मैंने भी कई बार फेस किया है मूव स्लो एंड स्टार्ट स्मॉल ऑब्वियसली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर शुरू करना चाहती है तो सबसे पहले धीरे धीरे इसको स्टार्ट करें एकदम से पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई ना कर दें स्टार्ट फ्रॉम सम लेवल किसी एक लेवल से स्टार्ट करें इसको और धीरे धीरे छोटे छोटे लेवल पे इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें आपको अगर इनिशियल रिस्पॉन्स अच्छे मिलते हैं अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो इसको धीरे धीरे फिर लार्जर ऑर्गेनाइजेशन पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर है वो है वो ये क्रिएट अ कल्चर वेयर फीडबैक इज शेयर्ड विद नो हेजिटेशन एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है ज्यादातर सिचुएशन में ना कोई फीडबैक शेयर ही नहीं करना चाहता किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो वहां पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कि आप एक कल्चर डेवलप करें जिस कल्चर में फीडबैक को शेयर करने में किसी को कोई हेजिटेशन नहीं है और लोग खुशी खुशी एक दूसरे को एक दूसरे का फीडबैक देना पसंद करते हैं बट मैं आपको बता दूँ ये ये काम इतना आसान नहीं है ये बहुत मुश्किल काम है बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू शेयर हिज फीडबैक चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आई होप यू रियली एंजॉयड दिस सेशन नाइनटी परसेंट पीपल आर अनसब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब And please share and like and keep supporting. So, we'll be meeting in the next session very soon.